हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे कि सर, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दोबारा आएगा कि नहीं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दोबारा आएगा, इस बात में 100% सच्चाई है। आप खुद देख लेना, क्योंकि NDTV से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज चैनल रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के बारे में बता रहे हैं। अगर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट दोबारा आता है तो रेलवे ग्रुप डी में पीईटी के लिए फेल हुई स्टूडेंट के लिए बेशक की बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी रेलवे ग्रुप डी के पीईटी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि वो अभी पास है तो दोबारा भी पास हो जाएंगे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, चलिए चलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कैंसिल होगा और इसका रिजल्ट दोबारा से आएगा, ये मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूं। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके मैं आपको इसकी प्रूफ देता हूं। दोस्तों, चलिए चलते हैं आरआरबी के एक ट्वीट की ओर ले जाता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आरआरबी को भी इस बात का पता चल गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, और आरआरबी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। तो आप गूगल पर डाल सकते हो @RRBKolkataTweet। तो सबसे पहले आपको पहली लिंक पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी रेलवे ने आरआरबी कोलकाता ने ट्वीट किया है वो आपको सामने मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडिडेट स्कोर सीट विथ ए वेरी हाई स्कोर इज बीइंग मेड वायरल द स्कोर सीट इज मोर। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले आप इसमें रेलवे आरआरबी कोलकाता ने जो भी ट्वीट किया है वो एक ट्वीट है। ट्वीट दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है स्क्रीनशॉट। इसमें आप देख सकते हो कि सौरभ कुमार नाम का एक स्टूडेंट है जिसने बैंगलोर से फॉर्म फिल किया था रेलवे ग्रुप डी का, और इसके मार्क्स हो रहे हैं 354.76, और ये क्वालिफाई है। क्वालिफाई तो वैसे भी हो जाएगा ये पीटी के लिए। तो आरआरबी कोलकाता ने इसका बताया है कि ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये गलत है, किसी ने एडिट किया हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स 100 से ऊपर दिख रहे हैं वो सब एडिट किए हुए हैं, और इन्होंने ये सब इसमें आपका ट्वीट करके बताया है आपको। तो आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा भी यहाँ पर, ये कैंडिडेट स्कोर सीट विथ ए हाई वेरी हाई स्कोर इज बीइंग मेड वायरल। जो वायरल हो रही है वो कैसी है, ये गलत है ना। इसका जो रियल नंबर है इस लड़के के जो बैंगलोर से इसने अप्लाई किया है, सौरभ कुमार नाम का, उसके 92 नंबर है, और आपको मैंने अभी दिखाया है सौरभ कुमार नाम का। आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप इसको चेक कर सकते हो, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर 7 है, सौरभ कुमार नाम है इसका, इसके 354 है। तो बिल्कुल सही है, ये रेलवे ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ बिल्कुल ये जो है एडिट किया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसमें मार्क्स को एडिट कर दिया है सेम टू सेम। इसका मतलब रेलवे का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट के 100 से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि जो पेपर था रेलवे ग्रुप डी का वो 100 मार्क्स का था। तो बिल्कुल दोस्तों, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ है, कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट ने मुझे मेल किया है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बताइए कि सर मेरे मार्क्स 100 से ज्यादा है ना, किसी के मार्क्स 100 से कम है। उसमें से मैं आपको कुछ यहाँ पर लाइव चेक करके बता रहा हूँ, जिससे आपको प्रूव हो जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है, 100 से ज्यादा मार्क्स शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, आप इसका स्कोर कार्ड सामने देख सकते हो, इसके मार्क्स भी आपको सामने शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है इसने चंडीगढ़ से अप्लाई किया था, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये सामने दिख रहा है, रोल नंबर भी आपको शो हो रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट रविंद्र है, और नॉर्मलाइज जो मार्क्स है 109 नंबर आ रहे हैं, और ये कैंडिडेट जो है पीटी के लिए क्वालिफाई है। तो आप देख सकते हो कि 109 नंबर 100 में से कैसे आ सकते हैं, किसी किसी के नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी का इतना ज्यादा हो गया कि 50-50, 60-60 नंबर नॉर्मलाइजेशन में ऐड कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल ये आरआरबी की तरफ से किसी प्रकार की गड़बड़ी, या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है ये। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में किसी एक प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई थोड़ी सी मिस्टेक होती तो चल भी जाती, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में के रिजल्ट में निम्न प्रकार की गड़बड़ी हुई है। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी गड़बड़ी तो मैं अभी आपको प्रूव किया है कि 100% से अधिक नंबर आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। इसके अलावा दूसरी गड़बड़ी हुई है कि सेम शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करना, कि दो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल सेम शिफ्ट में दोनों स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, एक ही दिन एग्जाम, एक ही शिफ्ट में एग्जाम, फिर भी किसी के नंबर 10 बढ़ रहे हैं और किसी का कोई मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, सेम नंबर है उसके उस शिफ्ट में। तो इस प्रकार का कैसे हो सकता है, अगर जो पेपर का लेवल है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या रखी है ये भी पता नहीं है किसी को भी, तो ये जो सेम शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करना है ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा क्वालिफाई होने पर भी पीडीएफ में रोल नंबर ना मिलना, कुछ
कुछ ऐसे स्टूडेंट ने भी मुझे कॉल किया है कि सर मेरा पीईटी के लिए क्वालिफाई दिखा रहा है, एस दिखा रहा है, लेकिन जो इन्होंने अलग से एक पीडीएफ जारी किए हैं जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई है उसमें नंबर नहीं है लेकिन एस दिखा रहा है, तो इस प्रकार की कैसी गलती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये की है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से कम नंबर आने पर भी पीईटी के लिए क्वालिफाई कर दिए गए हैं। आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट, आप उसको देखकर समझ सकते हो। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा सामने, आप इसमें देख सकते हो कि रोहित यादव नाम का एक स्टूडेंट है जिसने आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई किया था और इसके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 31 नंबर आ रहे हैं और 31 नंबर में ये पीईटी के लिए क्वालिफाई दिखा रहा है, आपको एस दिख रहा होगा सामने। अब आप समझ सकते हो कि अहमदाबाद जो आरआरबी जोन है इसमें ओबीसी का कट ऑफ 60+ गया है, 60+, और यहाँ पर नंबर इसके आ रहे हैं 31, और 31 में कैसे ये क्वालिफाई हो सकता है। तो इस प्रकार की जो गलतियां हुई हैं आरआरबी से, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, तो या तो ये किसी प्रकार का बड़ा स्कैम है, घोटाला बिल्कुल हो सकता है, या फिर रेलवे से किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, या तो आप इसको गड़बड़ी कह सकते हो या फिर घोटाला कह सकते हो, कुछ ना कुछ है, लेकिन गलती तो रेलवे से हुई है और ये गलती रेलवे बहुत जल्दी सुधार करेगा और जल्दी से जल्दी आपका नया रिजल्ट जारी करेगा। थैंक्स प्रकार हमारी एक यूट्यूब चैनल है, उसी प्रकार हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो यदि आप एक स्टूडेंट हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।